नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्पोर्ट्स नॉलेज। तो गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का एक छोटा सा ट्रांसफर अपडेट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पानाजियोटिस रेडिस को रिलीज करने का एक लंबे समय के इंतजार के बाद फाइनली नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने एक न्यू फॉरेनर्स को ऑफिशियली साइन कर लिया है, जिसका नाम है भाई सिमोन लुंडेवाल। तो सिमोन लुंडेवाल स्वीडन से बिलोंग करते हैं और उनका एज है 31। तो इनका अगर प्लेइंग पोजीशन देखा जाए तो ये मेनली एक लेफ्ट मिडफील्डर है और इसके अलावा ये लेफ्ट विंगर और राइट मिडफील्डर के पोजीशन में भी खेल सकते हैं। इन्होंने अपना क्लब करियर में स्वीडिश सेकंड टायर और स्वीडिश फर्स्ट डिवीजन लीग का बहुत सारा क्लबों के लिए खेला है, जैसे कि गेल्फी, एल्सबर्ग, एल्किस्टाना सिटी, भास्टरार्स एसके, और इसके अलावा इंटरनेशनल करियर में भी इन्होंने स्वीडन के लिए खेला है। तो भाई ऐसे में अगर देखा जाए तो सिमोन लुंडेवाल पानाजियोटिस रेडिस का एक लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है। लेकिन भाई अब देखने के बाद ये है कि सिमोन लुंडेवाल पानाजियोटिस रेडिस की जगह कैसे ले सकते हैं और पानाजियोटिस रेडिस का परफेक्ट रिप्लेसमेंट हो सकते हैं या फिर नहीं। तो भाई इस साइनिंग के बारे में आपका राय क्या है, आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरूर बताना। तो भाई आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर कर देना और चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना। और इसके अलावा आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर भी मैं छोटा छोटा अपडेट पोस्ट करता हूँ, तो इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो जरूर कर लेना। मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो फिर मिलेंगे अगले एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय।